हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में महिला कांग्रेस ने नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें महिला कांग्रेस की पदाधिकारी के अलावा सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान महिला कांग्रेस की पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के मार्गदर्शन में प्रदेश में जगह जगह नई न्याय सम्मेलन आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में भी आज आयोजन को किया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे पूरे उत्तराखंड में नारी न्याय सम्मेलन हर जिले, हर ब्लॉक और हर नगर में हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं और महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। कहीं पर महिला को कोई भी व्यक्ति या विपक्ष कमजोर ना समझे, महिला शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। पूरे उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का अहम भूमिका रही है और महिला हर चीज़ के लिए तैयार है। ये जो नारी न्याय सम्मेलन हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमारे राहुल गांधी जी ने एक नारी न्याय यात्रा निकाली हुई है जो पूरे देश में वो चल रही है। ये तब तक चलेगी जब तक नारी को हक नहीं मिलेगा, चाहे वो हमारी देश की महिला हो, प्रदेश की महिला हो, सारी महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए हमने ये यात्रा, ये न्याय सम्मेलन शुरू किए हैं। ये हर नगर में, पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में चल रहे हैं। इसमें हमारा है कि बहुत सारे इसमें प्रोग्राम हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए हमने इसमें प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। गांव-गांव में समूह बनाए जाएंगे। ये हमारे लोकसभा इलेक्शन के बाद हमारी कांग्रेस की ये ऊपर से एक अभियान चलाया हुआ है कि महिलाओं को सशक्त करेंगे और महिलाओं के लिए जो ये महिलाएँ हमारे गाँव में रहती हैं उनको सैनिटरी पैड वगैरह की अभाव होता है तो उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, मुफ्त में उनको मशीनें दी जाएंगी, कच्चा माल दिया जाएगा और वो उस माल को बना के उसे हमारे कांग्रेस के लोग उसको खरीदेंगे और मुफ्त में उसका वितरण करेंगे जिससे कि हमारी महिला सशक्त होगी। देखिए, प्रदेश के हर जगह में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के नेतृत्व में ये आयोजन हर जगह किया जाना है। रानीखेत वगैरह जगह में ये हो चुका है, आज हमारे क्षेत्र में भी हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि महिलाओं के साथ आए दिन जो छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण जैसे मामले सुनने को आ रहे हैं और कितनी लड़कियों के साथ ये घटना हो भी चुकी है जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, उसको चलते कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इन महिलाओं की इसी सुरक्षा को चलते आज ये महिला नारी न्याय सम्मेलन जिनका आयोजन किया गया है। इसका एक ही मकसद है कि घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ और महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और डबल इंजन की भ्रष्ट सरकार को और उनकी नीतियों को महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, उनसे लड़ने का संकल्प बनाया है।